नमस्कार, मैं आरबी ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार नेशनल पार्टी। जैसा कि आज मानवाधिकार नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीर भाई उपाध्याय जी हैं, उनका जन्मदिन भी है, तो हम सब लोग आज यहाँ इनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट किए। और उसके साथ साथ में आज मानवाधिकार नेशनल पार्टी ने गुजरात के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है समीर भाई उपाध्याय, जो अहमदाबाद पूर्व से हैं। बरोड़ा से दीक्षित पटेल जी हैं। नवसारी से वीरेंद्र तुलसीराम तायवाले जी हैं। सुरेंद्रनगर से नरसिंह भाई डाभी हैं। दाहोद से नरसिंह भूरा भाई हैं। पंचमहल से विक्रम भाई भिलाला हैं। गांधीनगर से खेड़ा भाई देसाई जी हैं। भावनगर से नाथा भाई बेगड़ हैं। खेड़ा से एडवोकेट शहजाद हुसैन हैं। आनंद से रामचंद्र गिरी जी हैं। छोटा उदयपुर से सोहम भील जी हैं। गोरखपुर से बिरजू सिंह छत्री हैं। लखनऊ से मोहम्मद भाई हैं। और अनंतनगर कश्मीर से संजय धर जी हैं। श्रीनगर से नाजिर अहमद जी हैं। आज इन लोगों का नाम मानवाधिकार नेशनल पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमारी पार्टी का नाम है मानवाधिकार नेशनल पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी ना तो ध्रुवीकरण की, ना जुमलेबाजी की, ना जातिवाद, ना कौमवाद की राजनीति करना पसंद नहीं करती है। मानवाधिकार नेशनल पार्टी का मकसद पार्टी के नाम से साबित होता है कि हम देश के लोगों को उनका मान सम्मान अधिकार हक मिले, यही मानवाधिकार नेशनल पार्टी का मकसद है। आज 70 सालों से हमारे देश के लोगों का सिर्फ अधिकार छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है, आत्मसम्मान छीना जा रहा है, ये नहीं छीना जाए, उन्हें सम्मान के साथ मिले, ये मानवाधिकार नेशनल पार्टी का मकसद है। मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि यदि आपको जरा सा भी कहीं महसूस हुआ कि आज सेंट्रल के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है या कभी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अगर आपको ये महसूस हो कि इसकी गवर्नमेंट के कार्यकाल में हमारा अपमान हुआ है, हमारा मान सम्मान छीना गया है, तो मानवाधिकार नेशनल पार्टी अब धरातल पर उतर चुकी है। आप अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, आप आत्मसम्मान के लिए मानवाधिकार नेशनल पार्टी से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इसको बहुमत के साथ इस बार लाइए, ताकि आज सारी पार्टियां कहती हैं मैं इस बार जीत करके आऊँगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लेकिन किसी के पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है कि वो किस तरह भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। कभी जनता ने भी नहीं मांग, उनसे डिमांड नहीं की, पूछा नहीं कि आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। लेकिन मैं आरबी ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार नेशनल पार्टी का कहता हूँ कि जिस दिन मानवाधिकार नेशनल पार्टी सत्ता में आएगी, मैं भ्रष्टाचार को जड़ मुक्त खत्म कर दूंगा। उसके लिए मेरी ब्लूप्रिंट क्या है, मेरी ब्लूप्रिंट यह है कि जिस दिन मैं मेरे देश के लोगों को जागरूक कर दूंगा, मेरे देश का हर एक नागरिक अपने क्षेत्र में अपने अधिकारियों से, अपने एमपी से, अपने कॉरपोरेटर से, अपने एमएलए से यह जाकर के सवाल कर सके कि हमारे क्षेत्र में ये ग्रांटें आई है, यहाँ इस जगह यूज करने के लिए आई है, उस दिन जितनी ताकत अगर उसके अंदर आ गई है सवाल करने की, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश आगे के पथ पर चला जाएगा। पहले तो मैं खूब खूब अभिनंदन दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आरबी ओझा, मानवाधिकार नेशनल पार्टी, जिन्होंने मुझे एक ज़मीनी स्तर से एक सामान्य इंसान जो पूर्व विस्तार से खड़ा करने की हिम्मत मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात है कि जो मैं जो मुद्दे लेके आऊँगा पूर्व में से, तो ज़मीनी स्तर पे आज राजनीति सबको करनी है, राजा सबको बनना है, पर राजा फिर 5 साल के लिए कहाँ गायब हो जाता है किसी को मालूम नहीं होता है। तो मैं ज़मीनी स्तर का, ये पूर्व का ही रहने वाला हूँ, तो मैं ज़मीनी स्तर पे काम करूँगा और राजनीति को लेके नहीं, पर काजनीति को लेके हम मानव अधिकार नेशनल पार्टी काजनीति के तौर पे काम करेगी और सबके जो सवाल होंगे उसका 100% निराकरण करने के लिए हम तत्पर रहेंगे।